100. Assalamu alaikum Pakistan, this is representer Mahnoor is in the studio and welcome you all in the program that is sponsored by Wilson's Pharmaceutical jisme hum ek aise issue ke hawale se baat karenge jo ki na sirf bachchon mein balki badon mein bhi bahut zyada common hai aur uske bahut bure effects aa rahe hain hamari society mein that is high blood pressure aur is par baat karne ke liye hamare sath program mein maujood hain Dr. Naveed Hussain from PIMS sabse pehle to Dr. Saab welcome to the show thank you Dr. Saab basically blood pressure hai kya cheez ब्लड प्रेशर फिजारे खून या खून का दबाव इंसानी जिस्म में के खून के नालियों में वो प्रेशर होता है जिससे खून पूरे जिस्म में जो है दौरा करता है अच्छा ये आमतौर पर मिलीमीटर मर्करी में मेजर किया जाता है इसकी दो रीडिंग्स होती हैं एक को सिस्टोलिक कहते हैं दूसरे को डायस्टोलिक कहते हैं दोनों नंबर अहमियत के हामिल होते हैं नॉर्मल बंदे में 120/80 जो रीडिंग होती हैं जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं ठीक सो डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर की कितनी किस्में हैं हाई ब्लड प्रेशर की एक दो किस्में नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी होती हैं ठीक तो डॉक्टर साहब से बात करने के लिए अगर आप कोई प्रोग्राम में सवाल करना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो कॉल कीजिए जी 111111100 पे एंड इफ यू आर आउट ऑफ टाउन सच एज रावलपिंडी इस्लामाबाद तो डायल करना ना भूलिएगा हमारे सिटी को दैट इज 051111111100 या आप मैसेज कर सकते हैं हमें 3636 पर सो डॉक्टर साहब बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर हमने एक दफ़ा दवाई खाना शुरू की तो ये हमेशा से हमारे साथ दवाई रहेगी और हमें खानी पड़ेगी सो बेसिकली अगर हम हाई ब्लड प्रेशर हो हमें और हम इलाज ना करें तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन द फ्यूचर अच्छा पहले तो है ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करने से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे नमक का कम यूज़ करना अपना वेट कम करना अगर ब्लड में चिकनाई है तो उसकी मेडिसिन ले लेना अगर वर्जिश प्रॉपर करना सिगरेट नोशी से परहेज करना अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो इसके लिए इसके नुकसान तो बहुत सारे हैं जैसे एंड ऑर्गन डैमेज जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जैसे ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं हार्ट अटैक हो सकता है गुर्दों के फेलियर जैसे इस बात बन सकते हैं सो ठीक है सो डॉक्टर साहब कहा जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हाथ लगाने से फैलती हैं या उस एनवायरनमेंट में बैठने से फैलती हैं तो ब्लड प्रेशर का फैलाव किस तरह नहीं नहीं ब्लड प्रेशर ऐसा कोई आमतौर पर इसके वजूहत मालूम नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिन्हें कहा जाता है ब्लड प्रेशर के साथ मुंसलिक किया जाता है जैसे सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा मोटापा होना डायबिटीज़ यानी शुगर जिस्मानी हरकत और सनात की कमी ये वाली चीज ठीक सो प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल करूंगी आपके सादिया हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से और सादिया कह रही हैं कि मेरी एज 18 साल है और मैंने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया लेकिन मुझे गुस्सा फौरन आ जाता है तो क्या मुझे चेक कराना चाहिए या नहीं है इसका ताल्लुक होता है गुस्से से नहीं आमतौर पर इसमें गुस्से का ताल्लुक है ब्लड प्रेशर के साथ नहीं है अगर ब्लड प्रेशर एक मरीज को है लेकिन उसको ऐसी टेंशन जिस पर लेता है उस वजह से हाई हो सकता है लेकिन इस एज में कम इतना रिस्क नहीं है इस एज में रिस्क नहीं होता इसमें इतना नहीं होता वैसे कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा हो जाता है जो गुस्सा कर रहे होते हैं नहीं गुस्सा आमतौर पर बीपी चेक अगर उसमें हो अगर ऐसे गुस्सा करने से हाई हो या इस एज में ज्यादा हो तो उसमें गुर्दों का मसले को रूल आउट करना चाहिए एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और राइट अगर आप कोई डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि अपने रेडियो का वॉल्यूम आहिस्ता कर दीजिए और हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में मैसेजेस डॉक्टर साहब ज़्यादातर जो है वो नौजवानों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम यंग एज में हैं और हमारी एज में ये कहा जाता है कि तुम जिम जा रहे हो या इस तरह की आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो हमें कितना रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर का हाँ नॉर्मली अभी देखा जा रहा है कि नौजवानों में ब्लड प्रेशर की जो शिकायत बढ़ती जा रही हैं इसके मोस्टली हम जो डाइट यूज़ करते हैं इसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापापन वर्जिश कम होना सिगरेट नोशी करना इसकी वजह से बहुत रिस्क पैदा होता है एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से
नहीं सकती, थोड़ा ऊंचा बोलेगा ठीक है रफीक। डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? रफीक दोबारा कॉल कीजिए काइंडली। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ब्लड प्रेशर में ये होता है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, खासतौर पे यंग एज में जबकि हम बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं और ये दूध पी रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि अंडा गर्म होता है या उन ड्राई फ्रूट्स की जिनकी तासीर गर्म होती है वो लेने से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या जस्ट ये मिथ्स है? जस्ट मिक्स है, मोस्टली जो होता है सिगरेट नोशी, मोटापा जो हो गया, शुगर की मरीज, जैसे हमारी आजकल वर्जिश बहुत कम करते हैं इस वजह से वाइटामिन डी की कमी हो गई, शराब नोशी हो गया, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव अगर लग गया, उम्र बहुत ज़्यादा तो मोरूसी जैसे गुर्दों की बीमारी की वजह से या थायराइड के मसाइल जो होते हैं उनकी वजह से हाई हो सकता है। ठीक, एक कॉल की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन कहाँ से? जी मैं जफर मुगरवास से। अच्छा जफर, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे हाई ब्लड प्रेशर के वाले? सवाल एक पूछना है जी, बहुत जरूरी पूछना है डॉक्टर साहब से। पूछिए। जी जी जी। असल डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो एमएस में ना मुझे ना एक बायां बाजू है जी जी। वो मतलब कांप रहा है ना जी जी। पूरा तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे दो मेडिसिन दी थी, एक छोटी गोली और एक वाइट, दोनों वाइट ही थी ना, तो वो मैं खा तो रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा जो है ना मुझे वो दिली जो है ना वो टेंशन दे देती है ना एकदम ऐसे जैसे कोई मतलब घबराहट जैसी आने शुरू हो जाती है। ठीक है, उससे फर्क भी नहीं पा रहा है, तो मैं कौन सी मेडिसिन खाऊं जिससे बाजू और वो जो कांप रहे ना बाजू वो? मुझे बताएं ब्लड प्रेशर कभी चेक करवाया आपने? जी ब्लड प्रेशर भी चेक करा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो भी मेडिसिन खा रहा हूँ इजी बेस। तो मेडिसिन कौन सी खा रहे, कोई नाम पता है? नाम का भी मुझे नहीं मालूम है, वो छोटी सी है जो एक गोली है एक वाइट है, दोनों वाइट है। इस तरह तो नहीं पता चल रहा। इस तरह आप करें कि आप ना एक डॉक्टर से प्रॉपर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं हफ्ते में तकरीबन एक दफा, तीन हफ्तों के लिए इस तरह। और दूसरा जो आपको घबराहट होती है उसके लिए आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट उनसे ईसीजी वगैरह करवाएं ताकि पता चले जो इसकी घबराहट होती है। तो वो बाजू जो कांप रहा है उसका अभी क्या करें? चलिए जफर आपको हम ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अगर जो बाजू कांप रहा है उसका क्या होता है? बाजू कांप रहा है आम तौर पर ये साइकी आप जब बनेंगे कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, जो भी होता है वो हार्ट से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एज होती है उसमें मस्कुलर पेन हो सकता है, कोई और मसले भी हो सकते हैं। ठीक, तो एक और कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? ये रफीक बात कर रहा हूँ। अच्छा रफीक, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। जी मेरे छोटा भाई है, वो सर्दी में आधे घंटे के लिए पहन ले तो उसके पाँव से इतनी ज्यादा बदबू होती है, ज्यादा पसीना आता है, तो इसका कोई हल बताइए। सॉरी आवाज, सॉरी रफीक आपकी आवाज सही नहीं आ रही, तो आप काइंडली जो है अपने रेडियो का वॉल्यूम आहिस्ता कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात हमेशा हर डॉक्टर भी कह रहा होता है और हर बंदे से हम ये सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक कराओ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से भाग के आए, दौड़ के एक्सरसाइज करके आए, ब्लड प्रेशर चेक कराया वो ज्यादा था, थोड़ी देर बाद कराया कम था, तो किस टाइम पर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, उससे पहले कितनी देर रेस्ट करना चाहिए? यही मैं अभी बता रहा था कि जैसे आप प्रॉपरली रेस्ट करके आए या टेंशन में, उसके ये होता है कि 30 मिनट्स तक थोड़ा रेस्ट करें उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। नॉर्मली आमतौर पर जो लोकल डॉक्टर जो होते हैं एक रीडिंग से मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरह होता है कि हफ्ते में एक दिन कम से कम 3 हफ्ते में ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर आपकी रीडिंग हाई आ रही है तो प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करें। दूसरा जो एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन, डॉक्टर के पास आते हैं वैसे वही बीपी थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे ये होता है कि थोड़ी देर रेस्ट करें, 30 मिनट्स बैठाएं उसके बाद बीपी चेक करें। ठीक, मतलब फौरन से नहीं चेक, फौरन से नहीं मेडिसिन स्टार्ट। एक और कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो अगर आप कॉल करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप डायल कर सकते हैं 111111100। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं? एबटाबाद से बात कर रही हूँ, आयशा। आयशा एबटाबाद से, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी हाँ, डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरी एज 33 है जी जी, और मेरा पिछले दिनों तकरीबन काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहा है। अच्छा, कितना? मैं
160 के करीब किया है और हार्ट बीट भी बहुत तेज थी जी जी. डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो मैंने 3 दिन तक खाली ली है. अच्छा. और जब मैंने 3 दिन वो मेडिसिन 4th दिन आगे से मैंने ली है तो वो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो पड़ी है. मेरी टेबलेट में हलक से नीचे नहीं होता आ पाई. अच्छा. क्या आपने टेबलेट लेने के बाद बीपी चेक किए? ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था क्योंकि मेरे सर का दर्द भी कम हो गया था जी. और रात को मुझे नींद नहीं आती. मैं रात को देर तक जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल. अच्छा. इस तरह होता है कि ब्लड प्रेशर जब टेबलेट स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेहतर ये होता है कि 3 दिन आप रिकॉर्ड रखें, सुबह और शाम टेबलेट लेने के बाद ना चेक किया करें, वो एक रिकॉर्ड रख लें. अपने जिस डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है उसको दोबारा रिजू करें ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर की दवाई एडजस्ट कर सके. वोमिटिंग किसी वजह से हो सकती है, गनौदगी आ सकती है ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली जो वोमिटिंग है ये किसी और वजह भी हो सकती है. ठीक. एक और कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम. रफीक बात कर रहा हूँ. जी जी रफीक, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से. हेलो. ऑल राइट. सो कॉल बार बार ड्रॉप हो जाती है. अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्रोग्राम में जी हैं डॉक्टर नवीद हुसैन फ्रॉम पिम्स मौजूद है एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल. और हम बात कर रहे हैं जी आज हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111111100 या यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एट 3636. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात देखी जाती है कि कहा जाता है कि पेरेंट्स को जो है वो ब्लड प्रेशर है और ये जेनेटिकली, क्या ये ट्रांसफर होता है? जी जी, जेनेटिकली होता है ये. अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मतलब चेकअप ज्यादा चांसेस होते हैं. तो छोटी एज में भी ज्यादा चांसेस होते हैं. कहा जाता है बच्चे को बड़ा गुस्सा आ रहा है. जी जी, चांसेस ये गुस्से से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, ये है कि ब्लड प्रेशर है तो गुस्से से थोड़ा टेंशन से हाई हो जाता है. आमतौर पर इसके कोई अलामत जाहिर नहीं होते. इसमें इसे खामोश कत्ल साइलेंट किलर भी कहा जाता है. ठीक. इसकी अलामत जो है वो थोड़ी मैं बता दूँ. जी जी. जैसे सर में दर्द, खुनूदगी हो जाना, आंखों के अंदर धुंधलापन या साफ दिखाई ना देना, दिल मतलाना या के आना, छाती का दर्द हो जाना, ये इसकी कुछ अलामत है. ठीक. प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं जी 111111100 पे और मैसेज कर सकते हैं 3636 पर. कॉलर की जानिब बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक एंड आई विल गेट बैक टू यू सून विद इन अ मिनट. Alright, so welcome back to the program. Program में मौजूद हैं डॉक्टर नवीद हुसैन और हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से. एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स. अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो आप डायल कर सकते हैं जी 111111100 और एक कॉल की जानिब बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वाले साहब, मैडम मुझे ये मालूम करना था कि बे फॉर्म के लिए क्या डॉक्यूमेंट. ओके जी, गलत भी मिल जाती हैं कॉल्स. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू हाइपरटेंशन तो आप कॉल कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिसिन पे ऑब्वियसली स्टार्ट कर दिया आपने मेडिसिन तो आपको थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो लोग इस वजह से डरते भी हैं इलाज करवाने से. इसके अलावा क्या इलाज है? कोई योगा, कोई एक्सरसाइज या कोई लाइफस्टाइल का चेंज हो सकता है जिससे हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए? जी, सबसे बेसिक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. जैसे आमतौर पर नमक, अमेरिकन तहकीक के मुताबिक 60% जो वजूहत वो नमक का ज्यादा इस्तेमाल है. दूसरा ये नमक का कम इस्तेमाल करें, वर्जिश प्रॉपरली आप रखें, और दूसरा अगर मोटापा है तो उसको वजन कम करने की कोशिश करें, सिगरेट नशे से परहेज करें, अगर ब्लड में आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें. एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम. अभी आ रही है आवाज़? जी, कौन कहाँ से? रफीक से बात. जी रफीक, सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से. ये सवाल कर रहा था डॉक्टर साहब से कि मेरा छोटा भाई है जी, तो वो अगर सर्दी में भी शूज पहन ले तो उसके पाँव इतने ज्यादा बदबू, इतने ज्यादा पसीना आता है, इसकी कोई वजह? चलें ठीक है, डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं. एक्चुअली हम बात करें जी हाइपरटेंशन के हवाले से और प्रोग्राम में मैं मैसेजेस शामिल करती हूँ.
علی ہیں جی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور علی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو آج کل سالٹس آئے ہوئے ہیں لو سوڈیم سالٹس تو کیا اگر اس کا استعمال کیا جائے تو تب ٹھیک ہے کہ نمک جتنا مرضی کھا لیں ہم ہائی بلڈ پریشر نہیں نہیں عام طور پہ جو ہم سالن میں جو ہے ہنڈیا میں یوز کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر لیکن عام طور پہ ہمارے دیکھا جائے جیسے انڈا ہم کھاتے ہیں کوئی کینو وغیرہ کھاتے ہیں اس پہ اوپر چھڑک کے نمک کھانا یہ تو اچھا نہیں ہے اس سے بلڈ پریشر ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب ممتاز ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور ممتاز کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایج ہے 32 ایئرز اور ان کا بی پی رہتا ہے 130/100 سو ان کو کتنے منتھس تک جو ہے اپنی لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے میڈیسن لینے سے پہلے نہیں کتنے سال تو نہیں ہے یہ تو کہ فار لائف لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے اس کے بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے پراپر ورزش کریں نمک کم استعمال کریں اگر سگریٹ پیتے ہیں تو اسے پرہیز کریں وہ چیک اپ کرواتے رہیں بلڈ پریشر ٹھیک ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم پاکستان وعلیکم السلام پاکستان جی کون کہاں سے میں سائمہ بات کر رہی ہوں ضلع گنج سے کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر سائمہ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے بھائی کی ایج 18 ہے نا ٹھیک 80 ہے تو وہ اس کی کافی نا نہیں پتا چلا کہ ہمیں اس کا بی پی ہائی ہے کہ نہیں جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تو صرف بس اسے غصہ آتا تھا گئے تو اس کا 160 اوپر والا اور نیچے والا 100 تھا تو اتنا حیران ہوئے ابھی وہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی تو لکھی دی ہے کیا ہم اسے وہ باقاعدگی سے استعمال کرواتے ہیں ہم یہ نہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے ساتھ لگ ہی نہ جائے کیا کوئی دیش کی ٹوٹکا ہے جو ہم اسے دے سکیں چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھتے ہیں تھینک یو سو مچ سائمہ فار کالنگ اچھا ہم تو ان پر نا جو ینگ ایج میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر فیملی ہسٹری ہوتی ہے دوسری بات جو 18 سال آپ بتا رہے ہیں جیسے اس میں رینل پرابلم ہوتے ہیں اس میں یہ بہتر ہو کہ الٹرا ساؤنڈ آپ کروا لیں اس میں رینل آرٹری سٹینوسس جیسے بلاک ہوتی ہے اس وجہ سے بلڈ پریشر ریئیکشنری طور پہ ہائی ہوتا ہے پہلے آپ پراپر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں دونوں کڈنیز کا اس کے بعد اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم ساتھ ساتھ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں علاج کروا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ساتھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم علاج کروا رہے ہیں تو ساتھ ہم جو بھی کھانا چاہیں ہم کھا سکتے ہیں کیا ایسا درست ہے نہیں نہیں ایسا بالکل درست نہیں ایسا کوئی فائدہ نہیں میڈیسن لینے کا جب تک احتیاط سب سے پہلے احتیاط ہے اس کے بعد میڈیسن مطلب لائف اسٹائل لائف اسٹائل تھرو آؤٹ لائف آپ نے وہ چینج کرنی ہے اچھا سائمہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور سائمہ ہم سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ میرے فادر اینڈ مدر دونوں کو جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو فیوچر میں مجھے کتنا رسک ہے ہائی بلڈ پریشر ہونے کا اور ابھی سے جو ہے مجھے کوئی تھوڑا سا بھی کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ کبھی 3 دن تک آپ نے چیک کرانا ہے ہائی ہو جاتا ہے تو کوئی میڈیسن لینی چاہیے جسٹ لائف اسٹائل نہیں جیسے کہ بتایا پراپر مطلب کہ ایک ہفتے میں ایک دن 3 ہفتے تک چیک کروائیں اگر بی پی ہائی ہوتا ہے لوور ڈوز میں اسٹارٹ کر دیں میڈیسن اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بتایا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن وہ کرتے ہیں دس چانسز ہیں اس میں 40% to 30% 40% چانسز کہ اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہم لوگ ان کو موٹاپے کی طرف خود لے کے آتے ہیں کہ وہ جتنا موٹے ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہیلدی ہیں تو کیا اس کا فیوچر میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بچے شروع سے ہی موٹے ہیں تو فیوچر میں ان کے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں یا نہیں شروع میں جب موٹے ہوتے ہیں جب وہ گروتھ کرتے ہیں تو نارملی وہ ان کا ویٹ لوز ہوتا ہے اس وقت ایسا کوئی رسک نہیں ہے دیکھا گیا رسک نہیں دیکھا گیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے جی صحت مند افراد کس طرح ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں جو صحت مند ہے انہیں ابھی بلڈ پریشر نہیں ہے فیوچر رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے وہی جیسے میں اگر وہ سموکنگ کر رہے ہیں تو سموکنگ سے اوائڈ کریں جتنا ہو سکے نمک چکنائی باہر کے کھانے جو ہوتے ہیں وہ کم استعمال کریں اپنا پراپر جیسے ہوتا ہے چکنائی جو بلڈ میں ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ کروا لیں چکنائی ہے تو اس کے لیے ایکسرسائز یا میڈیسن یوز کر لیں باقی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں بہت دفعہ آیا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور ہم میڈیسن لیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد چیک کرتے ہیں تو لو ہو جاتا ہے خاص طور پہ یہ شوگر کے پیشنٹس کو ہوتا ہے بلڈ پریشر فلکچویٹ کر جاتا ہے ان کا تو اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یا فوراً جو ہے نمک کھا لینا چاہیے جب لو ہوتا ہے اور فوراً سے ہائی ہو جاتا ہے آپ کا ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے بلڈ پر کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو فوراً لو کرتی ہیں نارملی جب آپ میڈیسن کچھ لیتے ہیں جو پہلی ڈوز فرسٹ ڈوز ہوتی ہے اس میں کے بعد بیٹھ جانا چاہیے لیٹ جانا چاہیے فوراً آپ کھا کے چلنا شروع ہو جائے تو اس میں بلڈ پریشر لو ہونے کا چکر ہاتھ سکتے ہیں مطلب گر بھی سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی میڈیسن لوور ڈوز سے سٹارٹ کی جائیں پراپر مانیٹر کر کے پھر ہائی ڈوز پہ جائیں میسیجز کی طرف بڑھتی ہوں جی سعد ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور سعد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں جم جاتا ہوں اور نارمل سٹیرائڈز لیتا ہوں اس سے مجھے جو ہے بہت زیادہ اگریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا مجھے وہ سٹیرائڈز بلڈ پریشر کی طرف لے کے جائیں گے فیوچر میں یا میں ان کو ابھی سے اوائڈ کروں ڈیفینیٹلی جو سٹیرائڈ ہوتے ہیں یہ بلڈ پریشر کی طرف لے کے جاتے ہیں اس میں بہت سارے نقصان ہیں سٹیرائڈ لینے کے
तो बेसिकली ये एग्रेशन नॉर्मल नहीं होता किसी भी एज में, अगर हम समझा जाता है कि अब ये एज है और उसमें गुस्सा आ रहा है तो इट्स नॉट ओके. वैसे नहीं नहीं इट्स नॉट ओके. अगर स्टेरॉइड तो बेसिकली ब्लड वेसल्स को जब वो डैमेज करे तो ब्लड प्रेशर का मसला. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी हमारे पास मैसेज है और उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे जब ब्लड प्रेशर होता है तो मेरी कमर में और मेरे कंधे और नेक में जो है दर्द शुरू हो जाता है. जी जी ऐसा ही होता है. क्या इसका रीजन है कि मैं दवाई भी खाती हूँ लेकिन मुझे जो है वो नॉर्मल रहता है, रूटीन में ये दवाई यूज कर रही हूँ? रूटीन में अगर यूज करें तो चेक क्या प्रॉपर चेक करवा रहे हैं ब्लड प्रेशर इवन के कंट्रोल है या नहीं है? ये भी मैटर करता है. ब्लड प्रेशर हो तो जिसमें थकावट बहुत ज्यादा होती है, सर में दर्द मतली आना के आना, ठीक अलामत होती है. सो ऑल राइट, डॉक्टर नवीद हुसैन हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम प्रिम्स हॉस्पिटल एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 051-111-111-100 या आप मैसेज कर सकते हैं 3636 पर. और अब मैसेजेस की जानिब चलती हूँ. दानिया है हमारे साथ रावलपिंडी से, और दानिया ये सवाल कर रही है कि वो कौन से लोग होते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है? बेसिकली जिसमें मोटापा अगर हो जी, अगर सिगरेट नोशी करते हो, फैमिली हिस्ट्री हो कोई सके, अगर उनमें जो जैसे स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, क्रोनिक जी बीमारी जैसे गुर्दों का मसला हो, उनमें शुगर का मसला हो, उनमें ब्लड प्रेशर. ठीक है, वैसे डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि शुगर जिस तरह होते हैं, खाने से पहले आपका इतना होना चाहिए, खाने के बाद अगर इतना है तो इट्स ओके, तो क्या ब्लड प्रेशर वेरी करता है कि अगर आपकी यंग एज है तो इतना ब्लड प्रेशर ठीक है, बुढ़ापा है तो ऑब्वियसली जरा बड़ी एज के लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो नॉर्मल है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है? नहीं नहीं, यंग एज में तो 140 और 90 से कम होना चाहिए. अगर कम होना चाहिए. अगर ज्यादा है तो इसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्रॉपर इलाज करना चाहिए. ठीक, सो अगर हम लोग अगर ना जाना चाहे मेडिसिन की तरफ, तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव कि हम मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते तो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ कैसे इससे रुक सकें? क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनकी वैक्सीनेशन होती है, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई दवाई है? नहीं, ऐसी कोई दवाई तो नहीं, लेकिन जो एहतियात हैं ये बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है इनिशियल स्टेज पे. जैसे आपको जो सारे एक्सरसाइजेज और दूसरी चीजें बताई हैं, अगर इन पे प्रॉपर हो जाता है. जी हमारे साथ अली हैं फ्रॉम चकवाल, और अली ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, इसके अलावा उनको शुगर भी है. उनको जब मैं ब्लड प्रेशर की दवाई देता हूँ तो उनकी तबीयत जो है थोड़ी इसी तरह अजीब होना शुरू हो जाती है, तो क्या मुझे करना चाहिए? क्या मुझे किसी देसी टोटके की तरफ जाना चाहिए या मुझे दोबारा जो है वो मेडिसिन की तरफ उनको रखना चाहिए? नहीं, हार्ट पेशेंट है उसमें तो होता है, उसमें ब्लड प्रेशर लो रखना होता है. मतलब अगर ये तो डिपेंड करता है, अगर हार्ट डायलेट हो गया तो उसमें नॉर्मल बीपी लो होता है जी. चाहे डॉक्टर से चेक करवाएं कि जब वो मेडिसिन लेते हैं जब बीपी 90 से कम ना हो जाए, उस वजह से उनको जो तबीयत खराब होती है उस वजह से होता है. सो बेसिकली डॉक्टर साहब हम लाइफस्टाइल के हवाले से बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, तो इसमें जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, पानी पीने की खासतौर पर हैबिट्स हैं, ये किस तरह होनी चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर वर्क करे? वैसे भी ये कहा जाता है कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है फौरन एक ग्लास पानी पिए. हाँ ये ऐसा है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें ये तो नहीं है कि सर? नहीं नहीं, बाकी पानी ज्यादा इस्तेमाल करना जिससे ब्लड प्रेशर में काफी हद तक कंट्रोल कमी होती है. और इसके अलावा जो है अगर इसी तरह का कोई पेशेंट हो जिसकी तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाए और हार्ट पेशेंट हो खास तौर पे, तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? सिलसिले में ये कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उसके बाद लो होता है या तबीयत खराब होती है तो बेसिकली ये कि डॉक्टर से रजू करना चाहिए, उसकी ब्लड प्रेशर चेंज करनी पड़ती है. ठीक डॉक्टर साहब, मैसेजेस की जाने बढ़ती हूँ. अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं तो डायल कीजिए जी आप 3636 और उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100. मंसूर हैं जी हमारे साथ रावलपिंडी से, और मंसूर ये कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है और मैं मेडिसिन लेता हूँ, लेकिन वो कौन सी ऐसी अलामत होती हैं जिसके बाद मुझे फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि एक्सट्रीम हाई हो गया? जैसे कि मैंने बताया जैसे सर में दर्द होना, के आना, मतली आना, जिससे मैं थकावट महसूस होना, आंखों के अंधेरा आ जाना है, ऐसे कोई अलामत हो तो आपको फौरन रजू करना चाहिए. इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा सकते हैं कि आपको पता है कि बीपी की ये दवाई? नहीं, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एज के लिहाज से डिफरेंट मेडिसिन होती है और जेंडर के साथ हर चीज डिफरेंट होती है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बचपन में आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हम जंक फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, बच्चे होते हैं तो पिज्जा बर्गर इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो शुरू से इस तरह की चीजें खाते हैं, फिर कॉलेज में भी वो यही खा रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी उनका लंच यही होता है, तो जब उनको थोड़ा सा स्वेटिंग ज्यादा होती है, गुस्सा आ रहा होता है, तो वो नॉर्मल फील हो रहा होता है के मोटापे की वजह से, क्या उनको ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? जैसे जंक फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल पे इफेक्ट करता है, जब हार्ट पंप करता
ہے تو آگے ریزسٹنس آتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے بہتر ہے کہ اوائڈ کیے جائیں کم سے کم اسمال کر سکے. اچھا ویسے اگر کوئی بھی ایسا مریض دیکھا جائے جیسے ہارٹ اٹیک ہو یا خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو تو اس کی ہسٹری دیکھی جائے تو پہلے پتا چلتا ہے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر تھا. تو کیا ہائی بلڈ پریشر اتنا ایکسٹریم پہ بھی کبھی آپ کو لے کے جا سکتا ہے کہ اگر وہ روٹین میں اتنا ہائی نہیں رہتا لیکن کبھی کبھی ہائی ہو جاتا؟ جی جی ہو سکتا ہے. جیسے ہم آج تک ریگولر چیک نہیں کرتے, جیسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں, بی پی ہائی ہوتا ہے لیکن ہمیں اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. جب بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتے ہیں, یہ علامات ہو سکتی ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے فرسٹ ایڈ کے طور پہ کہ آپ کا فوراً بی پی ہائی ہوا ہے اور آپ میڈیسن تو لے رہے ہیں, تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لینی چاہیے فوراً کھانے پینے میں؟ میں ڈائٹ کے حوالے سے آپ سے سوال کروں, ڈائٹ میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو فوراً لینی چاہیے؟ نہیں, ایسے پانی زیادہ پینا چاہیے. میڈیسن جو لے رہے ہیں اس سے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں کہ اگر ہائی ہوتی ہے میڈیسن لے سکتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں دوائیاں اسے شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں, وہ ہم لے سکتے ہیں لوور ڈوز میں. اور اگر ہمارے پاس دوائی موجود نہ ہو تو کیا ایسا کھانے کی چیزیں جو ہمیں لینی چاہیے؟ کیا ہمیں فروٹس کی طرف بڑھنا چاہیے, پانی کی طرف بڑھنا چاہیے, یا پراپر کھانے کی طرف آنا؟ نہیں, فروٹ یا پانی کھانے کے بہتر ہوتا ہے کہ نمک سے جتنا ہو سکے اوائڈ کریں, ایسے کھانے سے جنک فوڈ. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ مانسہرا سے بات کر رہا ہوں. جی جی, ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ہیلو جی جی سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ میری بیگم ہے اور اس کا بلڈ پریشر کبھی بہت ہائی ہو جاتا ہے, کبھی بہت لو ہو جاتا ہے. میڈیسن سے کوئی اس کو فرق نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب سوال پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, ہائی ہو جاتا ہے وہ میڈیسن لینے کی وجہ سے لو ہوتا ہے یا ویسے لو ہو جاتا ہے؟ نہیں, ویسے آپ پراپر چیک اپ کروا رہے ہیں؟ میڈیسن کون سی لے رہے ہیں, کس ڈاکٹر سے, کسی آپ ایسا کریں کارڈیالوجی یا میڈیکل اسپیشلسٹ کنسلٹ کریں. آپ لوکل ڈاکٹر سے میڈیسن لیں گے, کوئی میڈیسن ایسے ہوتی ہیں جو فوراً لینے سے لو ہو جاتا ہے بی پی. بہتر یہ ہے کہ جو پراپر اسپیشلسٹ ہیں کارڈیالوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ سے پراپر معائنہ کروائیں, بی پی کا ریکارڈ رکھیں, پھر آپ میڈیسن ایڈجسٹ کروائیں. شکریہ. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم لوگ جو دوائی لے رہے ہیں اس سے لو ہو رہا ہے یا نیچرلی لو ہو رہا ہے, فلکچویٹ ہو رہا ہے. اور اگر دوائی ہماری جو ہے اس سے ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو کیا یہ خطرے کی بات ہے یا اٹس اوکے کہ ہم نے خود ہی لو کیا دوائی؟ نہیں, اٹس اوکے. کچھ میڈیسن جیسے ہر پرسن ویری کرتے ہیں, کسی کو افیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے, اس لیے ڈوز تھوڑی کم کر دینی چاہیے. یہ بالکل بند نہیں کرنی چاہیے, بالکل بند نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ویسے دیکھنے میں آئے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی ہم نے دوائی لیا تو ہمارا بلڈ پریشر لو گیا, کیا وہ لو کی طرف لے کے آتی ہے یا نارمل کی طرف؟ لو ہو سکتا ہے, اگر ڈوز ہائی ہے تو لو ہو سکتا ہے. تو ڈوز ہمیں ہائی نہیں لینی چاہیے, ڈوز اسی لیے کہہ رہا ہوں پراپر چیک اپ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے. اپنا جو بی پی ہوتا ہے صبح شام ریکارڈ رکھے, 3 دن دوبارہ پراپر فالو اپ رکھنا چاہیے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نوید حسین فرام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, اینڈ دس پروگرام واز اسپانسرڈ بائی ولسن فارماسیوٹیکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور پریسنس. تھینک یو.